ओके गाइस, आई एम सॉरी, अब आवाज़ आ रही होगी आप सबको। अब आवाज़ आ रही होगी आई गेस, कुछ माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सो बच्चों, अब आवाज़ आ रही है, अब आ रही है आवाज़। अब माइक ऑन कर दिया यार, सॉरी। सो गाइस, नाउ एम आई ऑडिबल? अब आ गई। ओके अर्जुन, थैंक यू। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके थैंक यू कल्पना, रमनप्रीत कौर, थैंक यू। सो गाइस, आई वाज टेलिंग यू दैट ओके वर्ल्ड बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। बहुत देर से बकबक कर रहा था मैं, मगर आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो कोई नहीं, दोबारा थोड़ा बताएगा। मतलब जो वर्ल्ड बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको कोई यार इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ना ही मुझे बताने की जरूरत है कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक। मतलब वर्ल्ड का बैंक, तो मतलब यही अपने आप में आपको समझ में आ जाना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है। सो गाइस, वर्ल्ड बैंक यार सिर्फ अकेला कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके पांच अलग अलग लिम्ब्स हैं, ठीक है, पांच अलग अलग ऑर्गन्स हैं, या इसके पांच पार्ट्स में पांच अंग हैं इसके, आप ही कह सकते हो। तो उन पांचों अंग्स के बारे में, पांचों ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। भारत के साथ क्या लेना देना है, वर्ल्ड बैंक कब बना, कैसे बना, क्या इसका काम था, कौन कौन से पांच लिम्ब्स हैं इसके, सब क्लासेस में हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज ही हम क्लास को रैप अप कर देंगे। ओके, तो एक क्लास में आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, और कल हम IMF कर देंगे, तो फिर आपका IMF और वर्ल्ड बैंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इंस्टीट्यूशन है, आपके दो दिन में खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो वेलकम, ओके अंबिका, श्वेता, राजा यादव, राजा यादव, गुड आफ्टरनून। ओके राज, जय जयराज,
जैनीत, ओके, रेहान, पूनम, दिव्या, करिश्मा, ओके, पूनम गुप्ता, ऑल ओके, ऑल ओके फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. बच्चों, आपको सिक्योर प्रीलिम्स के बारे में पता ही है. हम सारी जीएस कवर कर रहे हैं यहाँ पे, सारे ऑल सब्जेक्ट्स कर रहे हैं. रेगुलरली इनिशिएटिव हो रहा है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था. सो मोर देन 125 बच्चे थे क्लास के अंदर. सो बच्चों, आप भी इस क्लास के अंदर आ सकते हो और अपनी क्लास अपना चेक कर सकते हो, आप कितने पानी में हो. साथ के साथ आप काफी कुछ बच्चों नॉलेज जो है गेन कर सकते हो. सारे सब्जेक्ट जीएस आप मेरे से एक ब्रश अप कर सकते हो मेरे साथ में. ओके, जो भी आपके रिविजन हो जाएगा, आपके कुछ अगर गलत याद है तो वो भी आपका सही हो जाएगा. सो यूज द कोड सेड यूपीएससी. बच्चों, अगर आप अभी तक अनअकैडमी की ऐप पे नहीं आए हो तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए. सेड यूपीएससी कोड यूज करके सारी फ्री क्लासेस अनलॉक कीजिए. और सिक्योर प्रॉब्लम्स इनिशिएटिव है अनअकैडमी की ऐप पे, 11 बजे 3 बजे होता है, इसे अटेंड कीजिए. अनअकैडमी कॉम्बैट लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आप मेरा कोड यूज करके इसमें भी आप टेस्ट दे सकते हो. हर संडे को 11 बजे टेस्ट होता है ये. बाकी और भी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चला रहा है. गाइस, 28th में 2 दिन बचे रह गए हैं. सो मात्र 2 दिन है आपके पास बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. ओके, उसके बाद भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये बुक्स वर्थ ₹10,000, 20 बुक्स जो हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ इजी लैंग्वेज में करंट अपडेटेड ये बुक्स हैं, ये आपको नहीं मिलेगी 28 अप्रैल के बाद. सो 28 अप्रैल से पहले ही लीजिए और मेगा सब्सक्रिप्शन का भी फायदा उठाइए, जो कि एक एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है, और इसका भी फायदा उठाइए. दोनों का फायदा मिलेगा बच्चों, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको 28 अप्रैल से पहले, यानी कि 2 दिन में लेना है आपको सब्सक्रिप्शन. और प्लस के फायदे आपको सारे पता ही है. टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो आप, एक स्ट्रक्चर तरह से पढ़ सकते हो, एक टाइम टेबल वाइज पढ़ सकते हो, आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज, ओके, मटेरियल हिंदी इंग्लिश बैचेस के अंदर एक यू नो प्रॉपरली जैसे एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है उस हिसाब से आप क्लासेस कर सकते हो. आपको चिंता नहीं करनी कि क्या बच रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपको करा दिया जाएगा. ओके, जब भी बच्चों आप जाएं प्लस आइकॉनिक या जो भी कॉम्बो जो भी प्लान लें आप, तो आप मेरा कोड यूज कीजिए ताकि 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा. 25% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है बच्चों अगर आप कॉम्बो प्लान लेते हो. कॉम्बो प्लान आपको लेना भी चाहिए बच्चों कॉम्बो प्लान में, क्योंकि आपका ऑप्शनल भी आ जाता है और आपको पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ता है. तो आई विल सीरियसली सजेस्ट दैट टेक फॉर द कॉम्बो प्लान. कॉम्बो प्लान आपको लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो siddharth_un पे, वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो. मैं आपको एक लिंक भेजूंगा और उसी लिंक के थ्रू आप कॉम्बो प्लान को ले सकते हो. तो ये बच्चों कॉम्बो प्लान है, ठीक है. इसमें आपको ये पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ता है, इसमें आपको ऑप्शनल भी कवर हो गया, और प्लस 1 ईयर 2 ईयर जो भी लेना है, आइकॉनिक 1 ईयर 2 ईयर वो भी लेना, वो कुछ भी ले सकते हो आप. सो गो फॉर इट गाइज, आई विल सेंड यू अ लिंक पर्सनली. कोड मेरा यूज कीजिए ताकि मैं आपका पर्सनल मेंटर और गाइड बन पाऊं, पर्सनल फोन पे आपको मेंटरिंग और गाइडेंस दे पाऊं, ठीक है. सो आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, अनअकैडमी की ऐप पे, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं. तो चलते हैं बच्चों दोबारा हमारे वर्ल्ड बैंक पे, हम बात कर रहे थे, एंड लेट्स गो टू द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक. ओके, फॉर्मेशन कैसे होती है वर्ल्ड बैंक की. गुड आफ्टरनून किड फ्रॉम माउंटेन्स, ओके. गुड आफ्टरनून सुजुका, ओके. गुड आफ्टरनून राम कुमार, के आर राहुल. तो बच्चों फॉर्मेशन कैसे होती है वर्ल्ड बैंक की बच्चों, ये वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन भी आपके यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, यानी कि वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है. तो वर्ल्ड वॉर में बच्चों दुनिया पूरी तबाह हो जाती है. यूरोप और अमेरिका और रशिया और जापान और जर्मनी और सब में बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है. पर्टिकुलरली बच्चों यूरोप पूरा मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है. यूरोप इतनी खूबसूरत जगह, आप जानते हो, पूरा बच्चों तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. जापान, फ्रांस, और इसको भयंकर हेल्प की जरूरत होती है. और हेल्प बच्चों कैसे करी जा सकती है, कोई चीज गिर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई, तो उसे हम कैसे वापस रिजुवेनेट कर सकते हैं. पैसे से, पैसा चाहिए. तो पैसे कहाँ से आएगा, तो इस बच्चों यूरोप जो ये बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, इसको दोबारा खड़ा करने के लिए, इसको दोबारा खड़ा करने के लिए वर्ल्ड बैंक, जिसे आप जानते हो, ओके, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन किया जाता है. ओके, और इसका नाम बच्चों वर्ल्ड बैंक आपके लिए, मेरे लिए जो बैंक का नाम है वो ये नाम नहीं है. वर्ल्ड बैंक नाम जो है आम आदमी के लिए है, जो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा, जिसे कोई मतलब नहीं, वो जानता है वर्ल्ड बैंक कोई बैंक है. अपने लिए इस बैंक का नाम है IBRDA. ओके, IBRD, ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट.
इसी नाम से बच्चों इस बैंक को लॉन्च किया जाता है, इंटरनेशनल बैंक, यानी कि एक इंटरनेशनल बैंक है, अंतरराष्ट्रीय बैंक है। काम क्या है इसका, रिकंस्ट्रक्ट करना है और डेवलपमेंट करना है। रिकंस्ट्रक्शन किसका, यूरोप का, जो कि तबाह हो चुका है वर्ल्ड वॉर टू के बाद में। डेवलपमेंट कहां पे करना है, दुनिया के अंदर जो पुअर कंट्रीज हैं, जो मिडिल इकोनॉमीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी मदद करनी है। तो बच्चों आईबीआरडीए की स्थापना की जाती है, ओके, ब्रिटन वुड नाम के शहर के अंदर, ठीक है। सो गाइस, ब्रिटन वुड में ये सारे बड़े बड़े नेता आपके इकट्ठे होते हैं और ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। आपके 44 देशों से डेलीगेट्स आते हैं। 1 से 22 जुलाई तक ब्रिटन वुड्स में न्यू हैम्सफेयर यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये जो नई इंस्टीट्यूट है जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हो, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। साथ साथ में बच्चों आईएमएफ को भी इसी समय इसी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में बनाया जाता है, इसलिए आपको ये अक्सर मिलेगा, ब्रिटन वुड ट्विन, ठीक है, ब्रिटन वुड ट्विन, ये जुड़वा भाई हैं जो कि ब्रिटन वुड में बनाए गए थे। कौन कौन से, वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ। आईएमएफ हम कल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आज हम वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक को बच्चों बनाया जाता है ब्रिटन वुड में, जहां पे 44 नेशन आते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद हालत बहुत खराब होती है दुनिया की, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका होता है, और ऐसे समय में वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, जो कि जो ये वॉर रिडन कंट्रीज हैं, जो लड़ाई में बहुत बहुत क्षति पहुंची जिन देशों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली रिबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन किया जाता है 1994 के अंदर ब्रिटन वुड्स नामक शहर में, ठीक है। तो जो ओरिजिनली इसका जो काम होता है वर्ल्ड बैंक का, ओके, आज गाइस वर्ल्ड बैंक 50 तरह के काम कर रहा है, 50 तरह से मदद कर रहा है, रिपोर्ट्स निकाल रहा है, कई ये वो, और आपके यूपीएससी एग्जाम में आ भी चुकी हैं उस तरह की रिपोर्ट्स, वो भी हम चर्चा करेंगे उस बात पे। लेकिन बच्चों इनिशियली जो इसका काम होता है वो रीडेवलप करना होता है, कि रिबिल्ड करो कंट्रीज को जो डिवास्टेटेड बाय द वर्ल्ड वॉर टू से, जो बर्बाद हो गए हैं वर्ल्ड वॉर टू से, जैसा कि मैंने बताया जो बर्बाद हो गए हैं, वो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, टूट गए हैं वहां पे रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, उनको दोबारा खड़ा करना है, दोबारा रिबिल्ड करना है। तो इनिशियली बच्चों इसका ये काम होता है, लेकिन अब इसका जो काम है प्रेजेंट डे में, वो रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंटल वर्क की तरफ आ गया है, स्पेशली ऑन द पुअर कंट्रीज में डैम्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, इरिगेशन सिस्टम बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनानी है। तो बच्चों एक बैंक जिसकी निर्माण होता है कि आपके रिकंस्ट्रक्ट करना, अब रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, अब यूरोप तो वैसे ही नंबर वन कंट्री, नंबर वन रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है, तो वहां पे तो ज्यादा जरूरत है नहीं, तो अब क्या करेगा वर्ल्ड बैंक, अब यूरोप को ही थोड़ी आगे ले जाता रहेगा, अब इसका फोकस जो है आपके पुअर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, इनको लोन मुहैया कराना, इनको गाइड करना कि आप ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, ये इस तरह के काम बच्चों ये आपके वर्ल्ड बैंक जो करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो वर्ल्ड का है वो भी रोल है आपके वर्ल्ड बैंक करता है। तो बच्चों ब्रिटन वुड ट्विन के बारे में आपको बता ही गया मैं इसी मीटिंग के अंदर बच्चों, जिसमें आपके आईबीआरडीए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनता है, इसे ही हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो बच्चों देखो ऐसे खेला जाता है शब्दों के साथ। अब अर्तिका शुक्ला रैंक 3 की मैं कॉपी पढ़ रहा था मेंस की, तो वर्ल्ड बैंक पे कोई क्वेश्चन उन्होंने लिखा, ओके, अर्तिका शुक्ला रैंक 3, आपको पता है कौन सी ईयर में, 16-17-18 में रैंक 3 उनकी थी। अब मैं उनकी कॉपी पढ़ रहा था तो मैं कॉपी उनकी देखी, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा है वर्ल्ड बैंक, मगर वो इंट्रोडक्शन में लिख रही है आंसर में, मेंस के आंसर में, कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऐसे शुरुआत कर रही है वो इंट्रो में, जो इंट्रोडक्शन दे रही है अपने आंसर का, मेंस की कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, तो वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडीए लिख रही है। तो यही उन्होंने पहले इंप्रेशन में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही उन्होंने एग्जामिनर पे ये इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कि भाई ये लड़की जो है पढ़ी लिखी है, ओके, स्टडीड है, हर आदमी, हर बच्चा वर्ल्ड बैंक लिख रहा है उसको वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट लिखती है, इससे पता चलता है। तो बच्चों ऐसे यार वोकैबुलरी और वर्ड ये ना ऐसे आपके काम आते हैं। आपको लगता है क्या फर्क पड़ रहा है सर, वर्ल्ड बैंक बढ़िया है, छोटा नाम है, वर्ल्ड बैंक ही रहने दो, लेकिन गाइस ये सब आपको पता होना चाहिए। और खैर एनीवेज आई होप यू टुक द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ द रियल थिंग इज गाइस कि ब्रिटन वुड ट्विन, ब्रिटन वुड के जुड़वा भाई हैं ये दोनों। कौन है जुड़वा भाई, वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ, ओके,
1994 के अंदर बच्चों इनकी स्थापना की जाती है। ओके, वर्ल्ड बैंक बाद में इसको आपके बोला जाता है, और एक्चुअल में इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है। तो बच्चों यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, फिर हम चलते हैं आगे। ओके, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर जो है, एनी प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग गाइस, ओके आई विल आल्सो हैव सम वाटर, जब तक आप कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए और मेरी, आप उसमें लिख सकते हो कोई भी बात अगर है। तो गाइस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जर्मनी पेरिस, नीदरलैंड्स, यूके लंदन, कहां पे बच्चों? इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। जो बिल्डिंग आपको दिख रही है बहुत प्यारी सी, ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ही है। ओके, सो दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। कहां पे है ये? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता है एक ही बड़ा पावर बचा था, वैसे सोवियत यूनियन भी था, लेकिन सोवियत यूनियन का थोड़ा दूरी रखा गया इन सब से, तो यूएसए ही इसमें लीडरशिप है। बच्चों आज भी वर्ल्ड बैंक को बच्चों क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ फेवर करता है। वर्ल्ड बैंक बच्चों बराबर वोटिंग राइट्स नहीं है, जैसे ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहां पे सिंपल फिलॉसफी चलती है, एक देश और एक वोट, ठीक है। लेकिन बच्चों वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं होता यार, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल ओके, ठीक है। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, ये आप मेंस के प्रस्पेक्टिव से ज्यादा, मैं फिर भी आपको मैं आइडिया देना चाहता हूं। बच्चों वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं होता कि यार एक कंट्री है और उसका एक वोट है, यहां पे कोटा सिस्टम चलता है, ठीक है। कोटा सिस्टम चलता है कि वर्ल्ड बैंक का मान लो कोई लोन देना है भाई इंडिया को, ठीक है, लोन देना है इंडिया को, यस और नो, 10 लाख करोड़ रुपए इंडिया को चाहिए, ठीक है, यस और नो, अब डिसीजन लेना है। तो बच्चों क्या होगा इसमें, आइडियली क्या होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के जितने भी मेंबर होने चाहिए उनको सबको एक एक वोट होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में क्या है, कोटा सिस्टम चलता है, जिसका जितना ज्यादा कोटा उसका उतना ज्यादा वोटिंग पावर, ठीक है। तो यूएसए अकेले के पास, तो बच्चों आईएमएफ में भी यही सिस्टम चलता है, कोटा सिस्टम चलता है दोनों जगह। तो बच्चों यूएसए अकेले के पास ही 16-17% जो है वो कोटा है वर्ल्ड बैंक का, यानी कि 16-17% जो डिसीजन मेकिंग करी जाएगी वर्ल्ड बैंक के अंदर वो यूएसए अकेले उसका दबदबा चलेगा। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो होता है, एक सबको बराबर का जो से देना चाहिए वो आपके वर्ल्ड बैंक नहीं देता है, और वर्ल्ड बैंक जो है वहां पे दादागिरी चलती है बेसिकली आपके यूएसए की और यूरोप की, ठीक है, ये लोग दादा लोग हैं यहाँ के, तो इस वजह से बच्चों वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा बात मुझे बतानी थी। प्रेसिडेंट भी बच्चों जनरली देखा गया है कि वर्ल्ड बैंक का हमेशा आपके यूएसए से बनाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, और आईएमएफ में जो प्रेसिडेंट होता है वो अधिकतर यूरोप से चूज किया जाता है। तो ये भी एक भेदभाव वाली जो स्थिति है ये सही नहीं है। तो इंडिया के खिलाफ काफी आवाज भी उठाता है कि बराबर होना चाहिए, ओके, सो वोटिंग जो शेयर होना चाहिए, जो कोटा सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए और बराबर बराबरी का हक देना चाहिए। कोई अमीर कंट्री है, कोई गरीब कंट्री है, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही भी है और इसको अप्लाई भी करना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक में ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है जो बच्चों वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द मेन थिंग। बच्चों मेन थिंग मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये नंबर से मत जाना गाइस, इसमें कितने मेंबर हैं ये सब आप मत जाना, ठीक है, ये मेंबर चेंज होते रहते हैं, ये यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी, मेंबर्स इतने हैं। 5 ऑर्गन्स जो हैं वो अपन चर्चा करेंगे उनके, ये 5 ऑर्गन्स जो हैं वर्ल्ड बैंक के वो कौन है, ठीक है। तो बच्चों इनको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं सारे के सारे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 5 मेंबर्स यानी कि 5 ऑर्गन्स आते हैं आपके अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता ही चुका, दैट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन
एंड डेवलपमेंट IBRD, ये मैं आपको बता ही चुका, ठीक है, यहीं से वर्ल्ड बैंक की शुरुआत होती है। ओके, बाद में बच्चों IDA भी बना दिया जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको यहां पे याद होना चाहिए और इसका क्या काम है इनका, वो भी आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, थर्ड जो बच्चों जो ऑर्गन है वर्ल्ड बैंक का, ओके, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो थर्ड ऑर्गन है वो आपका, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फोर्थ है वो है मीगा कहते हैं इसको, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। बच्चों नाम सुन के घबराओ मत, अभी मैं आपको सब समझाने वाला हूँ, क्या क्या रोल है, क्यों ये अलग अलग है, क्या क्या डिफरेंस है इनमें, कब बना, क्यों बना, सब बताया जाएगा। फिफ्थ लास्ट जो है बच्चों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। ये पांच ऑर्गन से बच्चों ये मिलके बनाते हैं आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप, समझ गए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ये पांच ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राइट। सो नाउ लेट अस कम एंड लेट अस डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी दिस, ये जो ग्रुप है आपके, ये पांचों ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का क्या काम है, क्या अंतर है दोनों में, ओके, ये आपके बताया जाएगा आपको यहाँ पे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो बच्चों वर्ल्ड बैंक इज अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं बल्कि 5, एक में ही 5 in 1 है ये, ठीक है, 5 in 1, जैसे अभी 2 in 1 ऑफर चल रहा है ना कि मेगा सब्सक्रिप्शन के साथ बुक्स भी मिल रही है, ये भी मिल रहा है, तो ऐसे 5 in 1 बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है, और इस 5 in 1 ऑफर को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले आपका IBRD आता है, तो IBRD के बारे में बच्चों वैसे हम चर्चा कर चुके हैं आपके लिए, ठीक है, ये बेसिकली पहले जो उसका काम था वो कि यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन था, तो अब वो काम हो गया है। ओके, तो बच्चों अब क्या करता है IBRDA, अभी भी वही काम करता है, ये लोन पे पैसा देता है, ठीक है, ये लोन पे पैसा देता है बच्चों, IBRDA ये क्या करता है, लोन पे पैसा देता है किसको, सरकार को, सिर्फ गवर्नमेंट को, कौन सी सरकार को, हर देश की सरकार को, इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी देश हो, अफ्रीका का, ओके, कोई भी कंट्री हो, सबको, सारी गवर्नमेंट को ये लोन देता है। तो आप बोलो सर मुझे लोन दिला दो IBDR से, मुझे लेना है सब्सक्रिप्शन प्लस का, आइकॉनिक का, तो बच्चों आपको लोन नहीं मिलेगा इससे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है इससे लोन, सॉवरेन कंट्री की गवर्नमेंट, एक आजाद देश की गवर्नमेंट वही लोन ले सकती है IBRDA से, ठीक है, बैक्ड बाय द सॉवरेन गवर्नमेंट। लोन जब लेते हो तो बच्चों आपको गारंटी देनी पड़ती है कि भैया लोन ये चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, पैसा ले लिया पर चुका भी पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी देती है। जो सॉवरेन फंड्स होते हैं, जैसे हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें बहुत सारा पैसा है, तो वर्ल्ड बैंक को कोई चिंता नहीं कि उसका जो पैसा है वो यहाँ पे इंडिया चुका नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की गारंटी पे पैसा उठाता है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से, समझ गए आप, गारंटी कौन दे रहा है यहाँ पे, हमारा सॉवरेन फंड, जो सॉवरेन फंड है, हर देश का सॉवरेन फंड होता है जिसपे एक क्षेत्र अधिकार होता है उस देश की सरकार का या उस देश का, तो ये बच्चों IBRDA क्या करता है, लोन देता है उस देश सिर्फ गवर्नमेंट को फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस। जैसे मान लो इंडिया बोले कि हमें रोड बनानी है, ठीक है, कोई नया हमें एयरपोर्ट बनाना है तो हमें पैसा चाहिए, या हमें कोई नया कोई प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम है बच्चों, अटल भूजल योजना, आपको बहुत सारे प्रोग्राम है, मतलब लिस्ट में आपको यहाँ ले आऊं तो मतलब वही पढ़ते रहेंगे हम दिन भर, तो बहुत सारे प्रोग्राम है हमारा, ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, पटरी जो हम बना रहे हैं ईस्टर्न, हमारे दिल्ली से ओके धनकुनी तक, ओके दादरी से आपके जो ईस्टर्न हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, लुधियाना से धनकुनी तक, जहाँ पे सिर्फ माल गाड़ी चले करेगी उस पटरी के ऊपर, तो वो उस प्रोजेक्ट में भी वर्ल्ड बैंक हमारी मदद कर रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है बच्चों जहाँ पे वर्ल्ड बैंक हमारी मदद कर रहा है, IBRDA के थ्रू हमारी मदद कर रहा है, तो ये IBDRA लोन देता है बेसिकली सरकारों को, सॉवरेन कंपनीज को, मिडिल इनकम इकोनॉमीज को, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह को, ताकि वो अपने देश में आर्थिक विकास कर पाए, सामाजिक विकास कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए, ठीक है, IBRDA।
अब बच्चों बात करते हैं आईडीए की, ठीक है। आईडीए गाइज एक और संस्था है वर्ल्ड बैंक की, ये भी लोन देती है, लेकिन गाइज आईडीए जो लोन देता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन नाम है इसका, ये गाइज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री, जो बिल्कुल पुअर है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, और हमको भी दे सकता है, भारत को भी दे सकता है। आईडीए के जो लोन्स होते हैं, और बच्चों आईबीआरडीए के जो लोन होते हैं, आईबीआरडी वर्सेस आईडीए चल रहा है यहां पे भी, इन दोनों के लोन से बच्चों अंतर होता है एक। आईडीए के जो लोन्स होते हैं गाइस, वो बहुत ही लंबे समय में आपको चुकाने होते हैं, 0% या मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे। जैसे कि इंटरेस्ट रेट है यहां पे 0.1%, 0.2%, समझ लो 0.5%, और वापस कब चुकाना है पैसा आपको, 20 साल के अंदर चुकाना है वापस सरकार को, 20 साल के अंदर चुकाना है। तो बच्चों ये लोन कम, ये चैरिटी ज्यादा है, समझ रहे हो आप, लोन कम है चैरिटी ज्यादा है, क्योंकि बहुत मिनिमम इंटरेस्ट देना है आपको एक तो पहली बात तो, और बहुत लंबा पीरियड है। ओके, ईएमआई जैसे लेते हैं ना हम, ईएमआई आप एवरी मंथ में आपको 2 साल में पूरी करनी है, 3 साल में पूरी करनी है, जैसे लंबा पीरियड होता है, और इंटरेस्ट रेट के नाम पे नेग्लिजिबल, नाम मात्र की इंटरेस्ट रेट जो लगाई जाती है। तो बच्चों वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्री को मदद मिलती है आईडीए से, आईडीए के जो लोन देते हैं वो आपके वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्री से लोन लेते हैं। 75 पुअरेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ असिस्टेंस है ये फॉर द 75 पुअरेस्ट कंट्री। ओके, कोटा सिस्टम आपको कल बता देंगे आईएमएफ की क्लास में, ठीक है। ओके गाइस, तो समझ गए आप बच्चों आईडीए और आईबीआरडी में मतलब समझ गए आप। ओके, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप समझ गए हो तो, आईबीआरडी इतना ही समझना काफी है आपको। दोनों लोन देते हैं, एक बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे देता है और पुअरेस्ट कंट्री को देता है, एक थोड़ा नॉमिनल रेट पे देता है, थोड़ा प्रॉफिट भी देखता है। ओके, तो समझ गए हो तो बच्चों एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे चले, ठीक है। दो ये 20 ईयर फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है टर्म, ये 20, 15, 25, 30, राइट। बिल्कुल चार्ज करता है आईबीडीआरडीए, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, मगर दोनों करते हैं, मगर एक फंड कहां से आते हैं यार, फंड लोगों से आते हैं, सरकार देती है पैसा। वर्ल्ड बैंक का नाम आप बोलो वर्ल्ड बैंक, आपके पास 100 करोड़ रुपए है, सही सवाल पूछा, फंड कहां से आते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, तो बच्चों गवर्नमेंट देती है पैसा, इंटरदोस्त के मेंबर्स होते हैं वो देते हैं। उसके अलावा आप मान लो बिल गेट्स हो, आप अंबानी हो, आपको 1000 करोड़ रुपए हैं, आपके 1000 करोड़ डॉलर हैं आपके पास, आपको चाहिए यार इस पे इंटरेस्ट रेट चाहिए मुझे, तो आप क्यों, आप किसको देना पसंद करोगे, आपके पड़ोस में जो दूसरा कॉम्पिटिटर है पड़ोस में बैंक के उसको दोगे, या वर्ल्ड बैंक को आप उधार पे दोगे, वर्ल्ड बैंक को दोगे उधार पे, क्योंकि पता है वर्ल्ड बैंक में आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो बच्चों क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड बैंक की, तो हर आदमी जिसके पास पैसा है वो वर्ल्ड बैंक को देना चाहेगा, हर कंपनी जिस हर इन्वेस्टमेंट फंड, हर सॉवरेन वेल्थ फंड एक्स्ट्रा पैसा है वो वर्ल्ड बैंक को देगा, पता है यार 2-3% इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन गारंटी तो है, वर्ल्ड बैंक का इतना बड़ा नाम है, गारंटी तो है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक को पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है जो वर्ल्ड बैंक को पैसा अपना देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बैड लोन्स नहीं होंगे यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक आपका पैसा खाएगा नहीं कभी भी, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ओके, क्योंकि उसके जो स्टैचर है, उसका जो कद है वो बहुत ही ऊंचा है, समझ गए आप। नेक्स्ट गाइस हम चलते हैं आईएफसी के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या होती है आईएफसी। ओके, अब गाइस गवर्नमेंट की तो बात हमने कर ली, सरकार की बात हमने कर ली, सरकार को थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा लोन आईबीआरडी से लेगा, और सस्ता पड़ जाएगा अगर वो आपके आईडीए से लेगा। सरकार का तो काम यहाँ पे हो गया, डेवलपिंग देशों में, पुअर देशों में सरकार को तो पैसा मिल गया, लेकिन गाइस प्राइवेट सेक्टर का क्या, प्राइवेट सेक्टर का क्या, कोई गरीब देश है, कोई पुअर कंट्री है,
मान लो मैं हूं, अब मैं, अब ये छोटा सा मेरा देश है, मैं यहाँ पे कोई बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, कोई टेलीकॉम सर्विस चालू करना चाहता हूँ, कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ, मुझे भी तो पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए मुझे भी। मेरी सरकार तो पुअर है, मेरी सरकार तो गरीब है, वो तो खुद ही लोन ले रही है वर्ल्ड बैंक से, तो मैं किससे लोन लूँ अब? मेरा काम ऐसा है, लोगों की भलाई होगी उससे, मैं रोड बनाना चाहता हूँ, मैं कोई ब्रिज बनाना चाहता हूँ, मैं कोई पोर्ट बनाना चाहता हूँ देश में, लेकिन मुझे, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, मुझे कौन लोन देगा? मेरी सरकार तो मुझे लोन देने की हालत में है नहीं, बैंक मेरे देश में भी इतने है नहीं, उनके उतने इतना पैसा उनके पास है नहीं, तो मुझे कौन लोन देगा बच्चों? मैं भी तो भलाई का काम कर रहा हूँ लोगों की, और मैं थोड़ा अपना प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ उसमें, तो दिक्कत क्या है? मगर मुझे लोन कौन देगा? तो गाइज, उनको लोन देती है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इज द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जितना प्राइवेट सेक्टर है, उन सब की लोन जो है, लोन की नीड्स को पूरा करती है IFC। इसका उद्देश्य भी बच्चों अल्टीमेटली पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है देश में, खुशहाली। अब रिलायंस बच्चों जियो लेके आया, जियो से फ्री में इंटरनेट उसने बांटा लोगों में, तो उसमें लोगों में आप भी, कई लोग जैसे पहले के समय में होते तो आप भी उस फ्री इंटरनेट का यूज करते हो, अन अकेडमी की क्लास पढ़ पाते, यू नो, अपनी जिंदगी में नेट से, मतलब जो भी सुविधा है नेट प्रदान करता है वो आपको मिल पाती, ठीक है। और आज भी बच्चों जियो जो रेवोल्यूशन लाया है, उसी की वजह से आज जो इंटरनेट है वो इतना सस्ता है कि हम सब अपन कनेक्टेड इंटरनेट के थ्रू, अगर मान लो जियो आता ही नहीं तो हमारे को इंटरनेट कभी इतना सस्ता हो ही नहीं पाता। पता चलता कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन से महंगा आपका इंटरनेट का बिल आ रहा है। तो ये बच्चों, ये भी प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप करता है, तो यार उसको भी पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा कहाँ से ले? तो वो पैसा आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से ले सकता है। ये एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप टू एडवांस इकोनॉमीज बाय इन्वेस्टिंग फॉर प्रॉफिट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। प्रॉफिट भी देखती है ये अपना, कि फायदा भी होना चाहिए। तो बच्चों इनको इतना सस्ते में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना भारत सरकार को मिल गया, चाइना की सरकार को मिल गया, सोमालिया की सरकार को मिल गया। इनको पैसे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली पैसा कमाएंगे उससे कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पॉवर्टी जिस भी देश में है वो कम होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो क्या दिक्कत है फिर? तो ये काम है गाइज आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। तो आप, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ ही गया, ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द मीगा। मीगा कहते हैं बच्चों मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये पढ़ना, थोड़ा समझना आपके लिए डिफिकल्ट है, इसलिए बच्चों अपना दिमाग और आंख और नाक और कान और जो भी है सब खुले रखें और अच्छे से समझें मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मीगा क्या है? सो गाइस, आपको पता है दुनिया में आज इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इन्वेस्टमेंट, मर्सिडीज कंपनी है, मान लो मर्सिडीज का सिंबल है, ऐसा ही होता है ना, मर्सिडीज का सिंबल है बच्चों। मर्सिडीज कंपनी को किसी दूसरे देश में जाके, मान लो सोमालिया में जाके, उनको लग रहा है कि यार यहाँ पे भी हमें हमारी जो है कंपनी गाड़ियां बेचनी है, तो वहां पे जाके क्या फैक्ट्री लगाती है मर्सिडीज, फैक्ट्री लगाती है, जमीन खरीदती है, शोरूम खोलती है, सर्विस सेंटर खोलती है, मानो प्रोडक्शन लगाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट करती है मर्सिडीज सोमालिया के देश में, ठीक है। चलो सोमालिया को हटा देते हैं बच्चों, पाकिस्तान और इंडिया को के एग्जाम्पल देते हैं, आप ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाओगे, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अब बच्चों इंडिया में हमारे अंबानी साहब ये सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान में मैं, अब मैंने जियो से यहाँ पे इंडिया में तो आग लगाई दी, अब ऐसी आग मैं पाकिस्तान में भी लगा देता हूँ, मैं इसी तरह को, यही मॉडल को, यही मेरा जो बिजनेस मॉडल है, जियो में पहले मतलब फ्री में इंटरनेट देता हूँ लोगों को और उसके बाद उनसे पैसे ले लूंगा। तो ये मॉडल सोचता है, पाकिस्तान में भी इसी तरह की हालत है कुछ, तो मैं पाकिस्तान में करता हूं। तो बच्चों जियो क्या करता है, जियो पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान में बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट कर देता है, वो अपने टावर लगा देता है, अपने एम्प्लॉय ऑफिस खोल देता है, ये वो और सब कुछ, बहुत करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है बेसिकली।
और यहां पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी कुछ बढ़ गई है और आतंकवादी हमला कर दिया पाकिस्तान ने भारत में, जिसके तार जो है पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़ गए हैं और राइवलरी हो गई दोनों देश में, और इसका टारगेट बन रहा है जियो। अब पाकिस्तान इंडिया का तो कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करता है, इंडिया की कोई कंपनी है जैसे जियो कंपनी वहां पे काम कर रही है, तो जियो के परेशान करेगा जियो को, ठीक है, जियो के ऑफिस बंद कर देगा, उसको लाइसेंस नहीं देगा टेलीकॉम ऑपरेशन ऑपरेट करने का। ओके, तो बच्चों एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया किसी प्राइवेट कंपनी ने दूसरे देश में, ठीक है, कमर्शियल रिस्क उसका सारा होता है। अगर जियो का कोई कॉम्प्यूटर है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे कोई दूसरी कंपनी एयरटेल वेटेल वो उसे कॉम्पिटिशन दे रही, तो वो जियो का हेडेक है। लेकिन सरकार कोई प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, वहां की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो जियो को भेदभाव नहीं करेगा, जियो को परेशान नहीं करेगा, इसका अश्योरेंस बच्चों देती है मीगा एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कि मल्टीलैटरल मतलब कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आपकी गारंटी देती है मीगा के, अगर मेंबर हो आप। ओके, पॉलिटिकल रिस्क से बचाता है इन्वेस्टर को। अगर मान लो बच्चों पाकिस्तान और भारत दोनों मीगा के मेंबर हैं, ठीक है, भारत तो है ही मीगा का मेंबर, ओके, भारत मीगा का मेंबर है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और कोई दूसरा देश भी मीगा का मेंबर है, और पता चलता है ये एक्स देश है, ये भारतीय कंपनी के साथ भेदभाव कर रहा है पॉलिटिकल, वहां की सरकार परेशान कर रही है इसको क्योंकि भारतीय कंपनी है, तो बच्चों मीगा यानी कि वर्ल्ड बैंक बोलेगा फिर कि आप ऐसा मत करो, और वर्ल्ड बैंक की बात इस देश को माननी पड़ेगी। तो बच्चों ये अश्योरेंस मिलता है अगर आप मीगा के मेंबर हो, ये आपको पॉलिटिकल रिस्क से बचाता है। दूसरे देश में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट एवरीथिंग, इट सेव्स यू ओके फ्रॉम द, गारंटी देती है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे देश में सेफ रहेगा। ओके, और बच्चों अल्टीमेटली इसका क्या फायदा है, वर्ल्ड बैंक क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का बच्चों असली जो गोल है वो डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना यही उसका असली गोल है, और डेवलपमेंट तभी होगा जब पाकिस्तान में भी जियो जाए और इस तरह से लोग आसानी से इंटरनेट यूज कर पाए और तरह तरह की सेवाएं जो है वो पाकिस्तान और दुनिया के हर देश में पहुंच पाए, इसलिए मीगा एक कॉन्फिडेंस देता है एक हर एक कंपनी को, हर एक प्राइवेट प्लेयर को, हर एक एक्सपर्ट को, कि वो किसी भी देश में जा सकता है और अपना पैसे को निवेश कर सकता है और उसका पैसा जो है वहां पे सुरक्षित है। अगर उसका बिजनेस मॉडल, अगर उसका बिजनेस प्रोडक्ट जो सॉलिड है, तो उसको बिल्कुल प्रॉफिट होगा, कोई भी पॉलिटिकल रिस्क कोई भी देश की सरकार उसे परेशान नहीं करेगी। ओके, अब बच्चों ये चार बातें मैंने आपको बता दी। ओके, चार बातें बता दी मैंने आपको, इन चारों का मेंबर है भारत, इंडिया इज द मेंबर ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, ओके, 94 में बनता है आईबीआरडी, 1960 में आईडीए बनता है, 56 में आपके आईएफसी बनता है, मीगा बनती है 1988 के अंदर, ठीक है, और 1966 के अंदर बच्चों आपके इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बनता है। लेकिन यहां पे गाइज आपको ये याद रखना है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आई होप सब टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हो, तो पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा इसका, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। तो बच्चों भारत सिर्फ आईबीआरडी का मेंबर है, आईडीए का मेंबर है, आईएफसी का मेंबर है, मीगा का मेंबर है, लेकिन इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिससेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मेंबर नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि क्या है ये ICSID क्या है और भारत इसका मेंबर क्यों नहीं है, ठीक है। गाइस डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको पता है, कोई भी विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का जो काम करती है वो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी करती है, ICSID वर्ल्ड बैंक की एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ठीक है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, जब आप अगर क्लास में अगर आप शुरू से हो, ओके, स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि इसके वर्ल्ड बैंक जो है थोड़ा भेदभाव करता है, और भेदभाव ये सिर्फ
ऑन पेपर्स भी आपको दिख जाएगा कि कोटा सिस्टम पे काम करता है, ऐसा नहीं एक देश वन कंट्री वन वोट, यहाँ पे कोटा सिस्टम चलता है कि जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स हैं वर्ल्ड बैंक के उसकी उतनी ज्यादा ही चलेगी वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो बायस्ड इंस्टीट्यूशन है ये, भेदभाव करता है, यहाँ पे दादागिरी चलती है बेसिकली यूएसए की और यूरोप के देशों की, ठीक है, क्यों नहीं लोगों ने इनिशियली इसको बनाया था, इनमें पैसा डाला और तो उनकी आज भी यहाँ पे जो है बात चलती है। तो बच्चों भारत ने इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये डिस्प्यूट सेटल करेगी, कोई भी वाद विवाद हो जाता है अगर दो देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके, तो इस बॉडी, ये बॉडी फैसला करेगी। तो बच्चों इंडिया अगर इसका मेंबर हो बन जाता है, मान लो इंडिया कल कह दे कि हम इसका मेंबर बन जाते हैं, तो बच्चों फिर इंडिया को इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की हर बात जो है माननी पड़ेगी, यस सर करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई भी फैसला ये सुनाता है तो उसकी बात को मानना जरूरी हो जाएगा भारत के लिए। ओके, लेकिन गाइस दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भारत पहले ही कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये बायस्ड है, थोड़े ये डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से काम करते हैं, ओके, इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है। तो अगर ऐसी संस्था से अगर हम जजमेंट करवाएं, ऐसी संस्था का जो कोई पार्ट है ICSID, ये कोई जजमेंट अगर देगा, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया और उस पर ये फैसला सुनाएगा, तो काफी चांसेस है बच्चों जो फैसला आएगा वो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ आ सकता है, और डेवलप्ड नेशन जो चाहें वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसके डिसीजन को, समझ रहे हो, यानी कि जस्टिस इज नॉट इंश्योर्ड हियर बिकॉज फ्यू कंट्रीज हैव मोर कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड बैंक। तो बच्चों इंडिया ये कहता है कि यहाँ पे ये एक बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका ज्यादा बात मानी जाती है, उनके पास ज्यादा शेयर भी है, उनकी ज्यादा चलती भी है, प्रेसिडेंट भी आप यूएसए का बना रहे हो हर बार, हमारे पास क्या कमी है क्या टैलेंटेड लोगों की, आपके गूगल फेसबुक तो हम चला रहे हैं और वहां, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जब प्रेसिडेंट बनाने की बात आती है जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, तो आप हर बार यूएसए से ही बनाते हो, ऐसा क्यों है? तो इसलिए बच्चों इंडिया कहता है कि ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, तो अगर ये सेटलमेंट करती है किसी डिस्प्यूट का, वाद विवाद का अगर निवारण करती है, तो निवारण जो है बायस्ड होगा, एक तरफा होगा और वो ओके 100% करेक्ट नहीं होगा, इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं बनता है और आज तक इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है। तो अब कई सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ICSID है क्या एक्चुअल में, ओके, ये भी प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ओके। और बच्चों अगर कहीं इन्वेस्ट आप कर रहे हो किसी भी देश में, तो लाजमी सी बात है विवाद वाद विवाद हो सकता है, हो सकता है इन्वेस्टर सही बोल रहा हो सकता है वहां की सरकार जो है वो सही बोल रही हो, तो फिर एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी जो इन दोनों का झगड़ा सुलझा सके पीसफुली, ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो आप? तो वो बॉडी है आपके ICSID, लेकिन इंडिया इसका मेंबर बच्चों नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा यही आ सकता है कि इंडिया इनमें से कौन कौन से ऑर्गन्स का मेंबर है, तो सबका है इस बॉडी को छोड़ के, और इस बॉडी का क्या काम है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके, अगली उस पर चलते हैं। वर्ल्ड बैंक और इंडिया का बच्चों आपसी क्या रिलेशन रहा है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वर्ल्ड बैंक और इंडिया का पर्सनल बायलैटरली क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्या क्या बातें रही है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। यस, डिसीजन डोमिनेटेड बाय द, डोमिनेटेड तो नहीं होगा बट उनको इन्फ्लुएंस करने का पावर है उनके पास, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो, ओके, यस सर, क्लियर। तो बच्चों आगे चलते हैं, भारत और वर्ल्ड बैंक। गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कम से कम 150 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है भारत को, वर्ल्ड बैंक का हाथ है जिसपे भारत के ऊपर, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, अटल भूजल योजना, हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, कई सारी स्कीम्स है, कई सारे छोटे बड़े इनिशिएटिव्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो लिस्ट आपको देने का कोई मतलब नहीं है, या आप खुद ही जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो जो करंट अफेयर्स में न्यूज में रहे, तो आप खुद ही इन सब चीजों का ध्यान रखें थोड़ा कि क्या क्या बातचीत हो रही है आपके, ओके, क्या क्या चीजें जो है वो वर्ल्ड बैंक कहाँ कहाँ पे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट कर रहा है, कई सारे लोन्स हमारे जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू आ रहे हैं, पैसा हमारे पास वर्ल्ड बैंक के थ्रू आ रहा है। तो लेट्स सी वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया का पर्सनल तौर पर क्या रिलेशन है। So,
So guys, 1994 के अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी जाती है 1944 के अंदर, ठीक है। और बच्चों भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर होता है, यानी कि नींव का पत्थर जो होता है इसका, वो भारत भी उसमें से शामिल होता है। अब बोलोगे सर भारत तो आजाद ही नहीं हुआ था तब तक, तो गाइज हमारी तरफ से यूके, हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम, तो यूके भारत का जैसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा देते हैं ना पिक्चर में पकड़ के, तो जबरदस्ती हमारे को भी इसका मेंबर बनवा देता है। लेकिन अच्छी बात है ये कि भारत इसका एक, इसकी वजह से इसका एक 44 जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं, 44 जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं इसके, जो मूल मेंबर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है। ओके, सो वेटन वुड्स के अंदर बच्चों भारत की तरफ से भी साइन कर दिए जाते हैं, भारत भी इसका एक ओरिजिनल सिग्नेटरी बन जाता है। साथ साथ में बच्चों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो मैंने आपको बताया 1956 में इसकी स्थापना की जाती है, और IDA 1960 के अंदर की स्थापना की जाती है। तो बच्चों 1960 में हमारी हालत कुछ ऐसी होती है कि हमें IDA के लोनों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि IDA के लोन जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही सस्ते दाम पे आते हैं और बहुत ही लॉन्ग रीपेमेंट के उसके हिसाब से आता है, कि बहुत समय में आपको, बहुत दिनों में आपको चुकाने हैं, समझ रहे हो। तो भारत इसका मेंबर बनता है IDA का 1960 के अंदर, ओके। और लेटर वो मीगा का मेंबर बनता है बच्चों 1964 के अंदर। तो अब ये भी सवाल आ सकता है बच्चों कि भारत डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें कि भारत इन संस्थाओं में कब कब मेंबर बनता है। तो IBDA जो वर्ल्ड बैंक है उसके मेंबर हम सबसे पहले बनते हैं, उसके बाद हम IFC के मेंबर बनते हैं, ठीक है, उसके बाद हम IDA के मेंबर बनते हैं 1960 के अंदर, उसके बाद हम मीगा के मेंबर बनते हैं 1994 के अंदर, ठीक है। मेंबर हम आज भी नहीं है ICSID की, मैं आपको बता ही चुका हूं बार बार, ICSID के मेंबर हम नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया यही बोलता है बच्चों कि ICSID का जो कन्वेंशन है वो फेयर नहीं है, ठीक है, आर्बिट्रीनेस है इसके अंदर, लीन्स टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री की तरफ, झुकाव है इसका, ओके। तो बच्चों आपको पता है भारत जब आजाद हुआ तब से लेके काफी इनिशियल जो हमारे स्ट्रगलिंग एजेस थे, जब हमारा एक भारत नया न्यू कंट्री था, तब वर्ल्ड बैंक से बच्चों बहुत सारा पैसा आता था भारत के अंदर, और उस वजह से भारत वरना शायद कहीं पे कोलैप्स भी कर सकता था, इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम आ सकती थी, खाने की प्रॉब्लम थी इंडिया में, हम प्रॉपरली आपको पता है अनाज नहीं उगा पा रहे थे हमारे लिए ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। तो बच्चों तब हमें वर्ल्ड बैंक ने बहुत मदद करी, ओके, और वर्ल्ड बैंक ने हमारी शुरू से बहुत मदद करी है। और आज बच्चों आप जान के आपको ताज्जुब होगा, आज भी वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा उधार पैसा जो ले रखा है किसी देश ने तो वो भारत ही है। अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी ने वर्ल्ड बैंक से लिया है, ओके, सबसे बड़ा क्लाइंट कोई अगर है वर्ल्ड बैंक का तो इंडिया ही है। 2015 से 2018 तक लगभग आपके $10 बिलियन, $10 बिलियन बच्चों बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इतना पैसा भारत वर्ल्ड बैंक से उधार पे ले चुका है। वर्ल्ड बैंक गाइस इंडिया को एक मिक्स कंट्री बोलता है, ब्लेंड कंट्री बोलता है, जो ट्रांजिशन कर रहा है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी से मिडिल इनकम कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है, लोअर मिडिल कैटेगरी से एक आपके अपर, एक मिडिल क्लास इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ओके, अभी मतलब हम लोअर मिडिल में आते हैं, अब हम मिडिल क्लास में आने लग जाएंगे, ओके। और ये जो ट्रांजिशन है ये सफिशिएंट है, इंडिया की क्रेडिट वर्दी बनाता है, इंडिया को इतना क्रेडिट वर्दी, यानी कि इंडिया का इतना दबदबा है, इंडिया का इतना क्रेडिबिलिटी है कि इंडिया को पैसे जो है लोन के तौर पर आराम से मिल सकते हैं, IBDA से भी मिल सकते हैं, IBRD से भी मिल सकते हैं, और IDA से भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक ऑलमोस्ट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और काफी सारी चीजें जो हैं इंडिया के फेवर के अंदर है, ठीक है। पुराने जो भी इंडिया के बच्चों उधारी है वर्ल्ड बैंक से वो इंडिया सक्सेसफुली चुकाता रहा है, जो भी उसके पेमेंट्स ड्यू रहते हैं उन सबको चुकाता रहा है। सो ओवरऑल बच्चों पहले भी हम बहुत मदद करी, और आज भी हम अगर ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड बैंक का हमारे डेवलपमेंट के अंदर रोल जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी देश ने उधार लिया है आज की तारीख में तो वो हमारा इंडिया ही है, ओके। सो दिस इज द थिंग, ठीक है गाइस, सो लेट्स मूव ऑन। एंड कोविड में भी सपोर्ट किया है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द रिपोर्ट्स। तो बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जिक्र है, इन रिपोर्ट्स को हम डिटेल में कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके अपने
स्कीम्स रिपोर्ट वाली क्लास में। और बच्चों मैं आपके एक धमाकेदार एक इनिशिएटिव भी लेके आने वाला हूँ, आप बिल्कुल प्रीलिम्स से जस्ट पहले मैं लेके आऊंगा, जब प्रीलिम्स होने वाला होगा उससे 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले, ताकि आप एकदम मतलब आपको मजा आ जाएगा करके। ऐसा इनिशिएटिव ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, और इतना फायदेमंद होने वाला है। अभी वो सीक्रेट है, हम उसको लॉन्च करेंगे तब आपको बता देंगे, अकेला मैं ही लेके आऊंगा आपके लिए, तो आप जुड़े रहिए। तब आपको सारे जितने भी ये गड्ढे आपके रह गए हैं प्रिपरेशन के अंदर, जो भी पॉट होल्स रह गए हैं, जो भी कमियां रह गई है, वो सारी उससे पूरी हो जाएगी। एक बहुत ही भयंकर पावर बूस्ट आपको देगा वो। सिक्योर प्रीलिम्स आप रेगुलरली कर रहे हो अनअकैडमी के ऐप पे, तो आप बहुत सही चीज एक सही पाथ पे चल रहे हो, उसका तो रिजल्ट मिलेगा। इसको भी डबल बूस्टर अपन अब लगा देंगे एक और। ओके, स्ट्रैप ऑन जो मोटर होती है PSLV रॉकेट के ऊपर, ओके, स्ट्रैप ऑन जो साइड में रॉकेट को और बूस्ट दे दिए, तो वो बूस्टर भी आपके लिए बन रहा है, भी तैयार हो रहा है, तो वो भी आपको पहुंचा दिया जाएगा आप तक। ओके, लेट्स टेक सम रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो बच्चों आपको पता है वर्ल्ड बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी निकालता होगा। जो रिपोर्ट्स आपके पता है हर साल UPSC में आ रही है, 2020 में नहीं पूछी गई, वरना हर साल UPSC आपसे एक रिपोर्ट पूछ रहा था कि ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अब 21 में ज्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि 20 में नहीं पूछा गया, तो 21 में क्या पता पूछ लेंगे मेरे हिसाब से। तो आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ओके, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ओके, एक एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि हर साल आती है। इसमें एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी निकलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो निकलता है वो भी इसी रिपोर्ट का पार्ट होता है, इसी रिपोर्ट का हिस्सा होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो होता है वो इसी रिपोर्ट का हिस्सा होता है। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। सेमी एनुअल रिपोर्ट है ये, ठीक है, हर साल में दो बार आती है। दुनिया की इकोनॉमी किस रफ्तार पे चल रही है, कैसी है, ऊपर है, बढ़िया है, बेटर है। ओके, टेम्परेचर बताती है आपको बॉडी का, जैसे थर्मामीटर, ऐसे बच्चों वर्ल्ड की इकोनॉमी का थर्मामीटर है ये। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ओके, सेमी एनुअल रिपोर्ट है ये। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके, तो बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बताती है, दुनिया भर के बैंक्स वगैरह जो हैं, सेंट्रल बैंक्स जो हैं, RBI हो गया, जैसे USA का फेडरल बैंक है, ऐसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, और फाइनेंशियल जो हेल्थ है ओवरऑल दुनिया में वो कैसी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक जो निकालता है आपके। इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स, ओके, किस देश ने कितना पैसा ले रखा है उधार पे, कितनी इक्विटी है, कितना उधारी हुई है, ये भी डेट के बारे में बताती है आपके। ओके, देन गाइज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो 2017 में बच्चों उसका स्पेशल फोकस रहा था डिजिटल उसके ऊपर, ओके, डिजिटल डिविडेंड्स के ऊपर, कि डिजिटल होने का क्या क्या फायदा है और कहाँ कहाँ पे कितना डिजिटलाइजेशन हो चुका है और कितना फायदा हमें हो रहा है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप जुड़े रहिए बाकी क्लासेस के अंदर, रेगुलर रहिए बाकी हर जगह पे। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो बच्चों सिक्योर प्रीलिम्स अभी मिल रहे हैं हम 3 बजे। ओके, मेगा इनिशिएटिव है ये भी एक तरह से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अकेडमी की ऐप पे अगर आप नहीं आए हो तो आए और इसको ज्वाइन करें। 3 PM पे हो रहा है अभी, 3 PM वाली क्लास होगी, हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, बाकी बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने का 2 दिन और रह गए हैं, मेगा सब्सक्रिप्शन अल्टीमेट बुक सरप्राइज दोनों आप क्लब कर सकते हो, आपको फायदे पते ही हैं सारे के सारे, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं रोज रोज, लेकिन 28 तारीख है, आपको याद दिला देता हूँ। कोड गाइस SID UPSC यूज करें, ताकि आप पर्सनल मेंटरिंग मेरे से ले पाए फोन के ऊपर, और मुझसे जुड़े रहे, आपके बकायदा मेंटरिंग सेशन होंगे 1, 2, 3, उसके बाद भी आप 24/7 मुझसे जुड़े हुए रहोगे, कभी भी आपको हेल्पलेस फीस नहीं फील नहीं करोगे। पढ़ोगे नहीं तो बात अलग है, लेकिन पढ़ रहे हो और अगर टच में तो रहोगे ही, तो प्रॉब्लम हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन आपको कभी नहीं आएगा। 10% कोड से भी ज़्यादा बच्चों बहुत बढ़ के है, प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरिंग जो कि आपको मिलती है मेरे कोड से। तो गो फॉर द प्लस और आइकॉनिक और व्हाटएवर प्लान यू गेट वांट टू गो, बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कॉम्बो प्लान्स पे लें सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो प्लान्स आपके पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं और आपका सारा पैकेज है, ऑप्शनल भी इसमें कवर हो जाता है और GS प्रीलिम्स मेंस सब कुछ कवर हो जाता है। ये आपको ऐसे ऐप पे नहीं मिलेगा, आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, IG पे,
और आपके टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा एक, वहां से आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हाईली डिस्काउंटेड होते हैं ये, ओके 29% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 2 साल का कॉम्बो लेते हो प्लस के साथ में ऑप्शनल का भी, ठीक है। तो हाईली डिस्काउंटेड होते हैं बच्चों, कोड मेरा ही यूज करें तभी मैं आपकी मेंटरिंग कर पाऊंगा पर्सनल लेवल पे। बहुत फोन आते हैं बोला सर हमने कोड गलत यूज कर लिया, हमने ये कोड वो यूज कर लिया, अब हम क्या करें, हमें मेंटरिंग नहीं मिल रही है। सो बच्चों उसमें मैं भी बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ, और क्योंकि मैं अगर ऐसे हर बच्चे की टेलीफोन पे बात करने लग गया या टेलीफोन पे मेंटरिंग करने लग गया तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन, फिर तो मैं दिन भर मेंटरिंग ही करता रहूंगा फोन पे। तो ये फीचर सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जो कि मेरा कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइज आप देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 10% डिस्काउंट ही चाहिए सिर्फ, या 10% डिस्काउंट के साथ आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मेंटरिंग और गाइडेंस भी चाहिए। ऑल इज योर्स, डिसीजन इज योर्स व्हाट यू वांट टू कम ऑन द सब्सक्रिप्शन, मगर आना चाहिए बच्चों। अगर आप सीरियस हो तैयारी को लेके और एग्जाम को लेके, अगर आप सीरियस हो, मन बना चुके हो कि यूपीएससी क्रैक कर रही है, तो बच्चों बिना किसी देरी के आपको आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, दिव्या, राज, राजा, देवांशु, ओके, रुक्सार, अंबिका, श्वेता, ऋषिका, सत्यम, माधुरी, ओके। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, सी यू ऑल ऑन 3 PM, 1 घंटे बाद मिलते हैं हम सीधा का सीधा आपके अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए यूपीएससी, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद, सी यू ऑल।